नमस्कार दोस्त, आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के सबसे छोटे बंदर के बारे में, जो इतने छोटे हैं। अब आप कितने छोटे होते हैं कि वो हमारे और आपके एक उंगली में भी आ सकता है, क्योंकि उसकी साइज जो है 4 इंच से लेकर के मैक्सिमम 6.5 इंच तक हो सकता है। जी हाँ, और उसका जो वजन है वो 100 ग्राम से लेकर के मैक्सिमम 150 ग्राम तक हो सकता है। जी, इसीलिए इसे फिंगर मंकी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका एक्चुअल नाम पिग्मी मार्मोसेट है। जी हाँ, ये अमेजोन के वर्षावरण में पाई जाती है और ये काफी चंचल प्रवृत्ति के होने के कारण पेड़ों की शाखाओं पर इधर से उधर उछल कूद करते रहते हैं। अमूमन ये फल फूल को ही खाते हैं, हालांकि ये पेड़ की पत्तियों को भी खा सकते हैं, लेकिन ये अमूमन फल फूल खाना ही प्रेफर करते हैं। दिखने में इतने क्यूट होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं कि लोग इसे अमूमन अपने घरों में पालते हैं, यहाँ तक कि लोग इसे प्यार से अपने पॉकेट में भी रखते हैं। तो कई बार इसे पॉकेट मंकी के नाम से भी जाना जाता है। पिग्मी मार्मोसेट मंकी के वर्ल्ड का सबसे छोटा मंकी है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, इस दुनिया का सबसे बड़े मंकी, जिसे हम लोग मेंड्रिल के नाम से जानते हैं, काफी खूबसूरत के साथ साथ काफी भयावह भी होता है। हालांकि ये सबसे ज्यादा गुस्सैल बंदरों में से नहीं आते। सबसे ज्यादा गुस्सैल बंदरों में, जैसे कि मैंने बताया था कि बबून से एक ऐसी कैटेगरी का बंदर है जो बल्कि साइज होने के साथ साथ काफी गुस्सैल भी होते हैं, और ये मेंड्रिल जो है इससे थोड़े कम गुस्सैल होते हैं, लेकिन गुस्सैल होते हैं। दिखने में काफी खूबसूरत है। दुनिया का सबसे खूबसूरत बंदर मेंड्रिल को कहा जाता है और सबसे बड़ा बंदर भी मेंड्रिल को कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्त। और सबसे छोटे जो बंदर है वो पिग्मी मार्मोसेट है। वो जितने छोटे हैं उतने ही क्यूट है, उतने ही खूबसूरत भी है, लेकिन रंग रूप उतना ज्यादा नहीं है जितना कि मेंड्रिल के पास है। मेंड्रिल में जितने कलर्स होते हैं उतने कलर्स पिग्मी मार्मोसेट में नहीं पाए जाते। इसका ये मतलब नहीं है कि वो खूबसूरत नहीं होगा, बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं दोस्त, इतने खूबसूरत होते हैं, वो इतने छोटे से इतने क्यूट होते हैं, इसके क्या कहने। लोग इसे प्यार से अपने घरों में पालते हैं, यहाँ तक कि लोग उसे अपने हाथों पर रखना पसंद करते हैं, अपने कंधों पर, अपने पॉकेट, यहाँ तक कि अपने पॉकेट में भी रखना पसंद करते हैं। इसलिए कई बार लोग इसे पॉकेट मंकी के नाम से भी जानते हैं। आइए हम आपको कुछ इसके खूबसूरत कारनामों से रूबरू कराते हैं। ये कई बार इस तरह की हरकतें करते हुए देखे गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। बंदर है तो खूबसूरत होंगे ही, चंचल होंगे ही, नकलची होंगे ही, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जी हाँ, इसकी जो कारनामे हैं, इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो चेहरे की जो एक्सप्रेशन है, इसके सभी कायल है। इसकी चेहरे की जो एक्सप्रेशन है बहुत ही गजब का है दोस्त, दिल को लुभा लेता है दोस्त। लोग इसे ना चाहते हुए भी इसे पुचकारना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, सहलाना चाहते हैं। लोग इसे अमूमन अपने घरों में, अपने गाड़ियों में रखते हैं, अपने वैंस में रखते हैं, अपने कार में रखते हैं, ऑफिस जाते समय इसे साथ लेके जाते हैं, साथ लेके आते हैं। पेट्स लवर है दोस्त, अपनी अपनी दुनिया है। हम भी पेट्स लवर हैं, हम भी जंतु प्रेमी हैं, हम भी एनिमल्स लवर हैं। अपने घरों में हम 4 वैरायटी के रैबिट्स को पाल रखे हैं। जिस तरह से हम प्रकृति का एक अभिन्न अंग है, उसी प्रकार से संसार में बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जिसे केयर करने की आवश्यकता है,